बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टूडेंट हाउ आर यू? आज हम अपना करेंगे उर्दू का वर्ड। ठीक है, लास्ट डे हमने किए थे तोड़ के जोर। ठीक है, हमारी रिवीजन स्टार्ट है ना। सबसे पहले आप अपनी डेट एंड डे मेंशन करेंगे, अपनी जमात का काम लिखेंगे, और आज हमारा ये रिवीजन का लास्ट पेज है। ठीक है, लास्ट डे हमने तोड़ के जोर किए थे। आई होप सबको समझ आई होगी और सबने अपना अपना वर्ड कम्प्लीट किया होगा। ठीक है, आज हम अपना उर्दू का वर्ड स्टार्ट करते हैं। अल्फाज बनाइए और लिखिए, यानी कि इसको मैच करना है, और मैच करने के बाद इधर राइट करना है, लिखना है। जैसे कि चे अलिफ चा, चे अलिफ चा को अगर हम जीम अलिफ चा से मिलाएंगे, जा चा, ये कोई वर्ड तो नहीं ना बन रहा। अगर हम चे अलिफ चा को चे अलिफ चा से मिलाएंगे, चे अलिफ चा चा चा, ये तो एक वर्ड बन रहा है ना। तो हम इसको इसके साथ पहले क्या करेंगे, मैच करेंगे, मिलाएंगे, और इधर क्या करेंगे, लिखेंगे। चे अलिफ चा, चे अलिफ चा, चा चा, चे अलिफ चा, चे अलिफ चा, चा चा। ठीक है, इधर हमने मिलाया है और इधर क्या लिखा है, किया है, इधर हमने लिखा है। जैसे कि लफ्ज बनाया है पहले हमने और क्या किया है, लिखा है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लाइन में रे अलिफ रा जीम अलिफ जा, क्या बना, रा जा। टीचर जब पढ़ती है तो टीचर के साथ साथ पढ़ा के रे अलिफ रा जीम अलिफ जा रा जा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, और इधर क्या करेंगे, लिखेंगे। रे अलिफ रा जीम अलिफ जा, क्या बने, राजा। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास है दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, इसको क्या करेंगे, पहले हम मिलाएंगे और इधर क्या करेंगे, लिखेंगे। दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा। ठीक है, आपको समझ आई होगी हमने क्या किया। पहले इधर हरूफ को बनाया है और इधर क्या किया है, लिखा है। चे अलिफ चा, चे अलिफ चा, चा चा, रे अलिफ रा जीम अलिफ चा, राजा। दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा। ठीक है, अब हम उसके नीचे है हमारे पास हरूफ की छोटी अशकाल लिखिए। ये तो इतना ईजी है, ठीक है ना, ये तो हमें आती है, बहुत इजी है। आप बताएं अलिफ मदा की छोटी अशकाल होती है, नहीं, अलिफ मदा एज इट इज आता है, यानी कि सेम, अलिफ मदा की छोटी अशकाल नहीं होती। अब नेक्स्ट पे देखें सीन, सीन की छोटी अशकाल कितनी इजी है। टीचर ने आपको बताया था जो सीन की थ्री स्टिक्स होती हैं उसको पहले कैसे राइट करना होता है। फर्स्ट स्टिक को लाइन के ऊपर, सेकेंड स्टिक को टच, और थर्ड स्टिक को टच नहीं करेंगे, और मेका स्लांट लाइन। ठीक है, ये होती है सीन की छोटी अशकाल। ठीक है, आप लोग ऐसे ये तीनों स्टिक को टच कर देते हैं, ये रॉन्ग फॉर्मेशन है। ऐसे तो सबको आती है, लेकिन टीचर ने फिर भी एक राइट और एक रॉन्ग आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट पे आ जाए हे, हे की छोटी अशकाल भी कितनी ईजी है। दरमियान वाली दो लाइनों में हम राइट करते हैं हे की छोटी अशकाल। पे की छोटी अशकाल लिखेंगे हम, पे की छोटी अशकाल भी दरमियान वाली दोनों लाइंस में आती है। ठीक है, पे, ठीक है, आपको टीचर ने बता दिया है लफ्ज बनाने हैं और उसको लिखना है, उसके बाद छोटी अशकाल है, उसके नीचे आपकी इमला है, वो आपको आपकी मामा बताएंगी। ठीक है, आपने फिर उसको डन करना है। ओके स्टूडेंट्स, हमने रुकना नहीं है, हमने आगे पढ़ते जाना है। अल्लाह हाफिज़।